आके हमें बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं हम यहाँ, जो कुल सब देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते हैं, चढ़त भी चढ़ाते हैं, तो इससे एक मन को संतुष्टि मिलती है। फिर अगले साल के लिए हम ये कामना करके आते हैं, जाते हैं कि भगवान जी सबको सुख शांति से रखना, अगले साल हम आपके फिर से दर्शन करेंगे। हैं जी, अभी तक वहाँ बैठते हैं शेरी मंच पे ना, तो वहाँ अभी बैठे नहीं है, तो उनके दर्शन करके तो फिर भला बहुत ही अच्छा लगता है जी। सभी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं हमें, जो भी है। अब बड़े देव के दर्शन ऊपर आ जाना था, नीचे अभी तक आए नहीं है, मतलब तो ऊपर चले जाते हैं, पर इस बार गए नहीं ऊपर, अभी इंतजार ही करने जा रहे हैं नीचे, ताऊ के दर्शन कर सके। हाँ, विदाई अच्छा लगता है, भी होता है कि इतने दिनों की रौनक चली जाएगी, अच्छा लगता भी है, नहीं भी लगता, दोनों चीजें हो जाती है साथ साथ में। एक ये लगता है कि सारे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे थे, वो वापस जा रहे हैं, तो खाली सा लगता है। एक बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही देवी देवताओं का भव्य समागम यहाँ पे हुआ है, तो इतना अच्छा यहाँ पे माहौल बन गया है कि ऐसा लग रहा है भक्तिमय सारे लोग और सारे देवी देवता। बट थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बिकॉज इतने दिनों के बाद ये लोग अब जा रहे हैं वापस, तो खाली सा लगने लग जाएगा दोबारा से, फिर इंतजार रहेगा कि अगले साल ये लोग आएं और फिर इतना ही अच्छा माहौल जो है दोबारा से बने। तो एक मौका है देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का, तो इसको हम बहुत अच्छे से एनकैश कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, बुजुर्ग भी, बड़े भी, छोटे भी, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है परिवार से? मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जब देवी देवता आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर जब जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। पर आज का दिन इतना शुभ होता है कि ब्रह्मा जी सारे शहर का चक्कर लगाएंगे, तो सारे मंडी शहर का भी, हिमाचल का, पूरे हिंदुस्तान का जो है आशीर्वाद आज के दिन देंगे। हम भी कामना करते हैं कि मंडी शहर का, हिमाचल का, भारतवर्ष का, जो हमारे सैनिक है उनका जो है अब रक्षा है भगवान करे, हमें प्रार्थना से करते हैं और करते हैं। शिवरात्रि के मेले की अंतिम जो है कड़ी में पहुंच चुके हैं और आज ये चौथे का मेला है, कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, तो आज ऐसा लग रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता जो है मंडी की छोटी काशी में विराजमान है, और इसके लिए जो है प्रशासन ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए थे, इसके लिए प्रशासन को बधाई, और जो इस बार की देवता कमेटी है उसको बधाई। इस बार जो है सफाई का जो कार्यक्रम है जो नगर परिषद ने किया है ना, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो मेला ग्राउंड में और मेला के आसपास और शहर में जो सफाई का इंतजाम था, जब भी कोई कंप्लेंट एक ग्रुप में जाती थी तो इमीडिएटली जो नगर परिषद के कर्मचारी थे इमीडिएटली वहां जाते थे, और जो इनके अपने नगर परिषद का जो जिनके पास ये सफाई का कार्यभार था उनको भी बधाई, क्विक जो है सफाई हो जाती थी। और इस बार एक आकर्षणीय रहा देवता में कि पहली बार जो है कारदारों ने, देवलियों ने जो है एक परंपरा निभाई, जिसमें जो है मधुराय की जो है पालकी का जो देवलियों ने उठाया गया, और जो सैनिक रैली जिसमें पूर्व सैनिक आए थे, एक ये भी आकर्षण का केंद्र रहा। तीसरा एक आर्ट ऑफ लिविंग में जो महिलाएं अपनी वेशभूषा में जो आई थी कैप पहन, ये भी बहुत बड़ा आकर्षण रहा। तो कुल मिला के मेला जो है बहुत ही आकर्षक रहा, और ज़्यादातर आकर्षण जो है देवी देवताओं का है। आज ऐसा लग रहा है कि सुना सुना पन लगेगा क्योंकि देव लोग वापस अपने अपने स्थानों में जा रहे हैं। एक पारंपरिक मेला है, मतलब इसमें समय के साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा है।
समय के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि स्थानीय लोगों की लोकल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें जरूरी है ना, क्योंकि ये शुरू से ही ये मेला जो है पारंपरिक रहा है, परंपरा घटती जा रही है। तो जो लोग युवा लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस अपनी मेले की संस्कृति को बचाए रखने के लिए आगे आएं और समस्त युवा वर्ग को इस मेले के बारे में जागृत करें और अधिक से अधिक संख्या में जो है लोगों को प्रेरित करें। युवा वर्ग से मेरी एक आह्वान है। शहर में परंपरा है कि बाबा भूतनाथ से प्रेरित ये मेला है और यहाँ से हमारा जो भी शिवरात्रि का मेला है बाबा भूतनाथ की मंदिर से शुरू होता है और ये 6-7 दिन चलता है और ये इंटरनेशनल मेला है। और यहाँ पर हमारे देखो आप देखेंगे कि यहाँ पर 300-400 देवी देवता आते हैं जो कि हमारे परंपरा के अनुसार काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है और ये आगे भी ये बहुत बड़ा उत्सव है और ये हम हर साल इसी भांति मनाते हैं और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है इस मेले में और इसमें बड़े श्रद्धालु लोग आते हैं और देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रयास तो काफी हुआ है लेकिन जो काफी सारा होना चाहिए था, देवताओं के ठहरने की व्यवस्था, देवताओं के खाने की व्यवस्था तो चलती है पर उस हिसाब से नहीं जो हमें चाहिए। अभी तक देवता लोगों के घर में रहते हैं तो उनको तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है रहने को, लेकिन जो जिनको घर में नहीं मिलता है तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं, उनको कोई खास प्रबंध नहीं है। अभी तक इतना ज़्यादा प्रबंध नहीं है, सरकार की तरफ से तो काफ़ी मिल रहा है पर वो एक जो जगह होती है वो प्रॉपर नहीं मिली है।
पौड़ियों की थी ना ऊपर तो सुजिए मंजन का तो कुछ पास नहीं था। सबसे बड़ी बात अच्छी है लगी मुझे कि मतलब देवते के लिए जयराम जी ने बढ़ाया कुछ 12% जो है देवता के लिए अनुराशि जो बढ़ाई है देवता, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। बाकी देवते का भी बहुत अच्छा है, उनको नारायण जी भी हमारे साथ आए हैं, साथ उनके साथ पहाड़ी वजीर माना जाता है हमारे देवते का, शांति का प्रतीक पशा कोट जी। पड़ रहा है कि आज सभी देवी देवताओं को हम एक ही मंच पर विराजमान है सभी देवी देवता और उनके दर्शन हम इकट्ठे कर पा रहे हैं। नजारा इतना मन को मोह लेने वाला है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर मैंने देवी और देवता देवियों का मिलन देवताओं का मिलन होते हुए भी देखा जो कि मेरे मन को भा गया। और मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष देवी देवता इसी तरह आते रहे और इसी तरह हम शिवरात्रि मेले में इनके दर्शन करते रहे। बहुत ही अत्यंत
हर्ष का विषय है मंडी के लिए कि यहाँ पर एक ही स्थान पर 320 या 25 देवी देवता एकत्रित होते हैं और सभी लोग लाभान्वित होते हैं। मुझे कल्चरल आइटम्स देखना बहुत अच्छा लगता है और जिसमें अगर रिलीजन की बात आ गई तो रिलीजियस कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी देवी देवताओं का समागम होता है और आप एक ही जगह पे जो है सारे देवी देवताओं को देख पाते हैं। हाईएस्ट डिटी से लेके जो ग्राम डिटीज होते हैं आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और कुछ भी नहीं हो सकती और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसलिए मैंने इस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन भी की है, जितने वीडियोज़ हो सके वो भी किए हैं और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ प्रोफेसर इन VGC। तो मेरा अगला प्रोजेक्ट है, मैं शिवरात्रि के ऊपर एक पुस्तक निकालना चाहती हूँ, देवी देवताओं के बारे में विस्तृत जानकारी लिखना चाहती हूँ। उसके लिए मेरा PhD में मेरा ये टॉपिक है तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अत्यंत अच्छा लगा ये देख के। हर पल की मैंने डॉक्यूमेंटेशन और इन्वॉल्वमेंट जो है इस मेले में पाई। मुझे आज 7 दिन के बाद इस चीज़ की विदाई जो है ये मेरे लिए बहुत इमोशनल एक पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों में। कुल्लू दशहरा भी जो है उसमें भी बहुत इन्वॉल्व रहती थी लेकिन जब मैंने अपने कल्चर को जाना, मंडी के कल्चर को, तो इसमें मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ कि मतलब मुझे थोड़ा ये भी भावुक हो जा रही हूँ मैं कि आज सभी देवी देवताएँ जिनके साथ मैं 7 दिन से सुबह से शाम तक रहती थी जब तक वो कॉलेज से चले नहीं जाते थे, ये देख के मुझे थोड़ा सा इमोशंस में आ रही हूँ मैं। लेकिन भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है और इस प्राप्त आशीर्वाद के साथ जो है मैं आगे बढ़ती रहूँ, यही भगवानों से मेरी मनोकामना है और भगवान से मैं यही मांगती हूँ। Thank you.
यू नो देव मिलन होगा, मतलब एक पीस सा मिलता है मन को। और अब देखो लास्ट ईयर जैसे अगर चले जाएंगे तो शायद बिल्कुल सुना सा पड़ जाता है। बाकी बहुत अच्छा शिवरात्रि, अब थोड़ा सा मंडी का एडजस्टेड हो गया, बाकी शिवरात्रि तो बहुत अच्छी होती है यहाँ की। बाकी हम एंजॉय करते हैं, थैंक यू। फीलिंग सो ब्लेस्ड कि हम मंडी टाउन का हिस्सा है, जहाँ पे हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि देवी देवता आकर यहाँ पर हमें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। आज लास्ट दिन है मेले का और इसके बाद काफी सुनापन हो जाता है जब देवी देवता आते हैं। और रोज में जो इन जो सात दिनों में हमें रोज की जो ध्वनि सुनने को मिलती है इनकी, इससे मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और काफी अच्छा फील होता है यहाँ पे जब ये मेला शुरू होता है। ओवरऑल ये हम वेट करते हैं तब ये मेला आए और हम लोगों को प्लेस करके जाए। थैंक यू।
ट्राई कर रहा। मंच पर
1008 कन्याओं का पूजन किया गया। ये पूजन मेरे ख्याल से इस स्तर पर पहला ही पूजन होगा पूरे हिमाचल में, और इस पूजन के माध्यम से बेटियों के प्रति समाज की सोच, बेटियों का समाज में महत्व, ये दर्शाने का प्रयास प्रशासन द्वारा, मेला कमेटी द्वारा किया गया। साथ में हमारे जो पहले जो जलेब थी उसमें भी बेटियों द्वारा, वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा झांकियां निकाली गई, जिससे भी ये मैसेज सभी लोगों तक और जिले के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। देश की एकता, अखंडता तथा स्वतंत्र किसी भी देशवासी के लिए सबसे बड़ा त्यौहार और उत्सव है। इस शिवरात्रि महोत्सव पर 6 सांस्कृतिक संध्या में से केवल 4 सांस्कृतिक संध्याओं का ही आयोजन किया गया तथा शेष 2 सांस्कृतिक संध्या पर होने वाले व्यय को पुलवामा हादसे में शहीद हुए सैनिक के परिवारों को राहत राशि के रूप में भेंट देने का हमारा फैसला लिया गया। स्नेहमयी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह में यहाँ उपस्थित हैं। पिछले कई दिनों जो जो कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किए गए उन सब की रूपरेखा माननीय उपायुक्त महोदय ने हमारे बीच में रखी है। आज इस सारे समायोजन का विधिवत समापन होने जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ आप सभी को कि जिनके उत्साह को, जिनकी भक्ति को, जिनकी श्रद्धा को पढ़ने वाली बूंदें भी रही नहीं रोक पाई, और आपने उसी उत्साह के साथ जैसे प्रतिवर्ष शिवरात्रि महोत्सव का आनंद लेते थे वो सब आपने भली प्रकार आनंद उठाया। भाइयों और बहनों, हमारे इस प्रकार के आयोजन हमें जीवन में प्रेरणा देने के लिए आते हैं। यदि हम केवल औपचारिकता पूरी कर लें, ऐसे आयोजनों में एक बाजार सजा लें, उसमें खाने पीने के खूब सामान आ जाएं, खरीदने बेचने की चीज़ उपस्थित हो जाएं और मंचों पर हम भंगड़े और नाच गाने कर लें और उसके बाद समापन करके घर चले जाएं, तो इसका कोई औचित्य और मतलब नहीं होता। भाइयों और बहनों, शिव भारतीय इतिहास में एक ऐसे महापुरुष हुए कि जिन्होंने अपने काल में मानवता की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बहुत विशाल ढंग से कार्य किए, और शिव शब्द जो है, मैंने वेदों को कुछ पढ़ा है और संस्कृत साहित्य में शिव एक धातु है जिसका अर्थ है कल्याण करने वाला। वेदों में लिखा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, के ध्यान करो परमात्मा एक है लेकिन उसके गुणों के कारण नाम अनेक हो जाते हैं। हम लोग यहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई यहूदी, कोई पारसी, अपने अपने भगवानों की चर्चा करते हैं जबकि ऐसा है नहीं। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक है और सबका एक है। कोई इसको गॉड कह देता है, कोई इसे अल्लाह कह देता है, कोई इसे ओम कह देता है, अपने अपने ढंग से उनके नाम उच्चारित किए जाते हैं। और हम जितने भी धरती के प्राणी हैं, वेदों में लिखा है श्रवंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सारे एक परमात्मा की संतान हैं,
एक पिता के पुत्र हैं। इस धरती पर जितना मनुष्य और प्राणी जगत है वो परमात्मा की संतान है, इसलिए हमें आपस में प्रेम से मिलजुल करके एकता के भाव में रहते हुए स्वयं सुख लेना चाहिए और औरों को सुख देना चाहिए। धर्म के नाम पर आतंकवाद, धर्म के नाम पर खून खराबा, धर्म के नाम पर दूसरों की जान लेना, ये धर्म नहीं है। धर्म भारत की संस्कृति में किसे कहा? स्वस्य च प्रियात्मना परेषां न समाचरेत। धर्म वो है जिसके ग्रहण करने से मैं भी सुखी हूँ और दूसरा भी सुखी हूँ। धर्म वो है जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वो औरों के लिए पैदा करूँ। यदि मैं प्राणी मात्र की आत्मा को अपनी आत्मा में देखता हूँ तो ये धर्म है। और इसके लिए वेदों में लिखा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव अनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। वेदों में लिखा धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं मैं अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखूं और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखूं। जैसे मैं सुख चाहता हूं वैसे दूसरा भी सुख चाहता है। मैं चाहता हूं लोग मेरे साथ सच्चाई का व्यवहार करें तो मैं दूसरों के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं लोग मेरा सम्मान करें तो मैं दूसरों के साथ अभद्रता का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं कोई मेरी वस्तु की चोरी ना करे तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं लोग मेरे साथ सत्य का व्यवहार करें तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गंदी नज़र से ना देखे तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गंदी नज़र से क्यों देखूं? इसका नाम धर्म है। ये धर्म है जो मानवता के कल्याण के लिए भारत के ऋषियों ने, भारत की महर्षियों ने, संतों ने, गुरुओं ने ये शिक्षा और जीवन का संदेश हमारे लिए दिया था। आज हम शिवरात्रि महोत्सव के समापन पर, तो शिव का अर्थ कल्याण करने वाला, जो प्राणी मात्र का कल्याण करता उसको शिव कहते हैं। और ये शिवरात्रि उसी महापुरुष के शब्द से बनी जिन्होंने अपने काल में दुष्टों का संहार किया, अच्छे लोगों का संरक्षण किया, बुराइयों को समाज से निकाला, अच्छाइयों को दुनिया में पैदा करने का अभियान चलाया। तो ऐसे अपने आदर्श जितने महापुरुष हैं उनको हम भगवान के रूप में भी कहते हैं। भग ऐश्वर्य धातु है, जो गुणों का भंडार, उसी को भंडार भगवान कहते हैं। तो हमारी ये कार्यक्रम एक प्रेरणा का स्रोत बनने चाहिए। उस काल की चुनौतियाँ उनके सामने थी, उनका समाधान उन लोगों ने किया। आज की चुनौतियाँ मेरे आपके सामने हैं तो उन चुनौतियों को स्वीकार करते उनका निराकरण करने का अभियान हमने चलाना चाहिए। अभी यहाँ पर माननीय उपायुक्त महोदय ने बताया कि हमने 100 कुछ बेटियों का पूजन किया। अब केवल पूजन किया ये एक आपको प्रतीकात्मक उन्होंने दिखाया, इसके पीछे वो संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां हमारे घर की शोभा हैं, बेटियां हमारा भविष्य हैं, बेटियां जिनके बारे में वेदों में लिखा स्त्री ब्रह्मा बभूवित। इस दुनिया का संचालन दो ही प्राणी, दो ही वस्तु करती हैं, एक ईश्वर और इस धरती पर महिला मादा जो वर्ग है वो करते हैं। तो महिलाएं इस देश की शोभा हैं, हमारी सबसे बड़ी आदरणीय, जिसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा कि जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है, बेटियों की इज्जत होती है, तत्र देवता, वहाँ देवता वास करते हैं। और जहाँ पर बहन बेटियों के दुख के आंसू गिरते हैं वहाँ अच्छे कर्म भी सब बेकार हो जाते हैं। तो हम आज के इस आयोजन में संकल्प लें
आज देश में चुनौती खड़ी है। बहन बेटियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता और हम सभ्य लोग के नागरिक कहलाते सभ्य समाज के। तो आज इस पावन पर्व पर हमें शपथ लेके जाना चाहिए कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं। आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि जहां बेटियां बेटों से आगे नहीं। आज आप किसी कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटीज में जाए, आप हिमाचल प्रदेश का हाल देखें। हमारी यूनिवर्सिटीज में जो हॉस्टल लड़कों के लिए बनाए गए थे, आज यूनिवर्सिटीज में लड़कों वाले हॉस्टल लड़कियों के हॉस्टलों में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए, क्योंकि पहलवान पढ़ना छोड़ गए और बेटियां पढ़ना शुरू कर रही हैं और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये कीर्तिमान नया बना है हमारी बेटियों। आज हमारी बेटियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, वो सीमा पर देश की रक्षा करती हैं, जजेज हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बेटियों ने कीर्तिमान स्थापित नहीं किए? वो माता पिता का सम्मान बढ़ा रही है, देश का गौरव बढ़ा रही है, हमारे घर की शोभा है। तो ऐसी बेटियों का जन्म से पहले मारने का हमारा विचार, इसको समाप्त कर देना चाहिए। आज ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाए। हम देव भूमि के लोग हैं, ये देव भूमि है जहाँ देवता वास करते हैं। यहाँ पर अनेकों देवता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि देव भूमि के लोग नशा करते हैं, बेटियों को पैदा होने से पहले मारते हैं, हम नशेड़ी अनेक प्रकार के नशों से ग्रस्त हैं, तो काहे की देव भूमि भाई लोगों, थोड़ा विचार करना चाहिए हमने आज के। आज संकल्प लें कि हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स नशे का शिकार हो गई। आए दिन अखबार भरे पड़े, बच्चों के पास स्मैक मिलता है, ड्रग्स मिलती है, दुनिया भर के नशे के तरीके ढूंढ लिए। तो मैं उनको आह्वान करता हूँ कि ऐसे युवाओं को इन बेटियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपनी माताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम जितने बैठे हमें सोचना चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो भारतीय संस्कृति में पली हैं, वो दारू नहीं पीती, बीड़ी नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, नशे नहीं करती, रात दिन खेत में कमाती है, घर के काम करती है और अपने कुल के गौरव को बढ़ा रही है। और हम पुरुष लोग अनेक प्रकार की कुसंगमों में पढ़ करके भारत की देव भूमि को कलंकित करने का काम करते हैं। हमने आज नशे के खिलाफ एक अभियान में सम्मिलित होना चाहिए, बेटियों के संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मैंने एक अभियान चलाया है, गांव में जितना भी किसान है मेरे प्रदेश का, कि वो प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाए। वो खेती जिससे आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, वो खेती जिससे पानी के 70-80% कम प्रयोग होता है, ऐसी खेती जिससे गौ माता का संरक्षण होता है, ऐसी खेती जिससे भूमिगत जल बढ़ता है, ऐसी खेती जिससे अस्पतालों की भीड़ खत्म होगी और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसी खेती जिससे किसान की आय भी दोगुनी होगी। ये अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधिवत यहाँ पर चालू कर दिया है। मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ और इस प्रदेश के किसानों को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बहुत उत्सुकता के साथ इस मिशन में जुड़ने का एक लक्ष्य लिया और बड़ी तेजी से काम हमारे प्रदेश में बढ़ने चला। हमारा संकल्प है कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश जहर मुक्त प्रदेश बनेगा। ये प्रदेश पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करेगा। आज हम सब बीमार हैं, सब रोगी हैं, क्यों? स्लो पॉइजन सबके अंदर जा रहा है। आज पानी प्रदूषित कर दिया,
जितना यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड खाद्यान्न वस्तुओं में डालते हैं वो सब हमारे शरीर में जा रहा है। पानी हमने दूषित कर दिया, हवा हमने दूषित कर दी, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो आजकल बेमौसमी वर्षा जो हो रही है ये हमारी गलतियों का परिणाम है। ये जो मौसम परिवर्तन आए दिन हो रहा है, हमने सारा पर्यावरण बिगाड़ दिया और उसका परिणाम अब प्रकृति हमें दे रही है। तो भाइयों और बहनों, आज का ये दिन हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक प्रेरणा लेकर के हम यहाँ से जाएं। तीन प्रकार के संकल्पों की चर्चा मैंने की, बेटियों का घर घर में सम्मान होना चाहिए, नशा मुक्ति प्रदेश होना चाहिए और प्राकृतिक खेती के साथ जुड़कर हम इस प्रदेश को जहर मुक्त बनाएं और खाद्यान्न जो इस प्रदेश में प्रदेशों में जहर हमको मिले वो सबका स्वास्थ्य वर्धन करने वाला होना चाहिए। 10,000 रुपए का ये पुरस्कार। दूसरे स्थान पर हैं शुजेय छमाहू बाली चौकी, 9,000 रुपए का दूसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार मिला है शुदेव पूर्वी कृषि, इनके दल को 8,000 रुपए का यह पुरस्कार। बातें तो कैसी होगी। शुदेव पूर्वी कृषि देवलू नाची प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए का शुदेव छांजड़ू वाली चौकी। आपकी तालियां आती रहे, ये हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, जिनका जिनको सहेजा जा रहा है संवर्धन। शिवदेव चुंजवाला शिव हाची दूसरा पुरस्कार 9,000 रुपए का। देवलू नाथी प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार है शिवदेव सुहड़ा का गहरी सुहड़ा, 8,000 रुपए का यह पुरस्कार है। बहुत शुभकामनाएं आपको। पुरस्कार 8,000 रुपए शिवदेव सुहड़ा का गहरी सुहड़ा। देवलू नाथी प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार आपको मिला है। माइक कहाँ गया? हेलो कृष्णा। मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2019 के समापन की विधिवत घोषणा करता हूँ। बहुत आभार। चलिए आपको देना है माफी। कर देंगे।